प्रिय छात्राओं, गृह विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका पारीक, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के वस्त्र, उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, उनके उपयोग और वस्त्र का निर्माण अब तक किया। आज हम करेंगे वस्त्रों की परिसज्जा, जिसे हम बोलते हैं टेक्सटाइल फिनिशिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, टेक्सटाइल फिनिशिंग यानी कि वस्त्र को फिनिशिंग देना, उसको परिसज्जा देना। तो हम इसमें करेंगे कि परिसज्जा क्यों दी जाती है, इसके क्या लाभ होते हैं और कौन कौन सी यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जाएं वस्त्रों में दी जाती हैं। व्हाट इज अ फैब्रिक फिनिश, वस्त्र परिसज्जा किसे बोलते हैं? सबसे पहले हमें इसे समझना आवश्यक है। कताई और बुनाई के पश्चात वस्त्र लगभग तैयार हो जाता है। करघे पर से उतारे गए वस्त्र उपयोग के काबिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें ग्रे गुड्स कहा जाता है, यानी कि इन वस्त्रों में तेल, ग्रीस आदि के धब्बे लगे रह जाते हैं और वस्त्र गंदे और मटमैले हो जाते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया में। वस्त्रों की आकृति भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, सतह पर गांठें, रोएं, फुज्जी उठे हुए होते हैं और अगर हम कहें तो वस्त्र स्पर्श में खुरदरा और देखने में भद्दा लगता है। इसके लिए वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है, जिससे कि वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन लाया जा सके, वस्त्र देखने में सुंदर, मनोहारी और मनभावन लगे और स्पर्श में कोमल, चिकना और मुलायम हो। अगर हम देखें कि परिसज्जा की परिभाषा क्या होती है, तो करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाह्य स्वरूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल और मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, इसे ही परिसज्जा कहते हैं। और विभिन्न विधियों के द्वारा वस्त्रों में विभिन्नता, विविधता, ताजगी और नवीनता भी लाई जाती है। वैसे तो बच्चों, प्राचीन काल से ही वस्त्रों के अंदर परिसज्जा दी जाती थी, लेकिन प्राचीन काल में तैयार वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को सुधारने, निखारने और उत्तम बनाने के लिए जो परिसज्जा दी जाती थी, वो हाथों से दी जाती थी। प्राकृतिक रंग प्रयोग में लाए जाते थे, केमिकल कलर्स नहीं थे, तो उतने सुंदर और विविध रंग नहीं होते थे। इसके कारण वस्त्र देखने में थोड़ा भद्दा या लुजलुजासा लगता था, लेकिन आजकल परिसज्जा का कार्य समय और शक्ति कम खर्च करके किया जा रहा है, क्योंकि वस्त्र विज्ञान में क्रांति आ गई है, नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया है, इसके साथ ही नए नए केमिकल्स भी आ गए हैं, तो इनके द्वारा परिसज्जा करके वस्त्र को चिकना, कोमल, सुंदर ये बनाया जा सकता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि वस्त्र की परिसज्जा क्यों की जाती है। तो सबसे पहला है कि वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए। जैसा कि पहले हमने करा कि करघे पर से जब वस्त्र बुनकर तैयार होता है, तो उस पर कई तरह के तेल, ग्रीस आदि के दाग धब्बे लगे होते हैं और वस्त्र जो है वो कुछ मैला सा हो जाता है, तो इसके लिए इसे ब्लीच करना पड़ता है। रोएं, गांठें, फुज्जी को काटकर और ब्रश से रगड़ करके और वस्त्र को झाड़ दिया जाता है, तो चिकनी, कोमल और स्वच्छ इसकी सतह हो जाती है। वस्त्र की सतह पर नैपिंग की जाती है और जो वस्त्र के दोष होते हैं उनको छुपाया जाता है। दूसरा होता है वस्त्रों के अंदर विभिन्नता लाने के लिए, क्योंकि देखो, हम देखते हैं कि वस्त्र जैसे तैयार तो कॉटन से, सूती सूत से ही होते हैं, लेकिन उसके
अलग अलग परिसज्जा दे करके, उसमें अलग अलग फाइबर्स को मिला करके और उसको रेयन भी बना दिया जाता है, कुछ जब उसमें टेरिकॉट मिला दिया जाता है तो टेरिलिन बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से वस्त्रों के अंदर विभिन्नताएं लाई जाती हैं और इससे वस्त्रों को अधिक उपयोगी, आकर्षक, मनभावन और रुचिकर बनाया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रंगों, छापों, नमूनों, डिजाइने आदि उसके ऊपर बनाए जाते हैं। विभिन्नता लाने के लिए कई बार वस्त्रों पर से रॉयें उठाए जाते हैं, जिसे कि एम्बोजिंग कहते हैं, ब्रशिंग की जाती है, स्मूदनिंग की जाती है और उसके बाद उनमें विभिन्न डिजाइन उभारे जाते हैं, जिसे एम्बोजिंग बोलते हैं। तीसरा होता है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। वस्त्र को मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल, चिकना बनाने के लिए परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है और इससे वस्त्र की कार्यक्षमता और उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद फोर्थ है वस्त्र की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि करना। वस्त्र को प्रयोजन के अनुसार इस पर परिसज्जा देकर कार्यक्षमता और गुणात्मक वृद्धि की जाती है। जैसे कि बच्चों, फायरमैन के जो वस्त्र होते हैं वो अग्निभेदी यानी फायर प्रूफ होते हैं, जल से बचाने के लिए जल अभेद्य या वाटर प्रूफ वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनके ऊपर परिसज्जाएं दी जाती हैं, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ परिसज्जा दी जाती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दी जाती है। इसी तरह से पर्दे, अपहोल्स्ट्री, पोशाक के वस्त्र पर इसी प्रकार की परिसज्जा दी जाती है, ताकि उनकी लटकनशीलता अच्छी हो, ठीक से ड्रेप कर सकें, कीड़े, जीवाणु, सूर्य के प्रकाश, मौत आदि से बचाव किया जा सके और इस प्रकार उनकी गुणात्मकता और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट होता है वस्त्र का रखरखाव सरल करना। आप देखते हो कि जब हम ऊनी वस्त्रों को स्टोर करके रखते हैं और निकालते हैं तो कई बार ब्लैंकेट्स के अंदर या वुलन क्लोथ्स के अंदर जगह जगह पर मौत यानी कीड़े से काटने के कारण छेद हो जाते हैं। तो वस्त्रों की सफाई, धुलाई, रखरखाव, इनमें काफ़ी समय और शक्ति का व्यय होता है। तो इसके लिए इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती हैं, जिससे कि कम समय, शक्ति और मेहनत में ताज़ा, नवीन, सुंदर वस्त्र मिले। जैसे कि वॉश एंड वियर क्लोथ्स होते हैं, जिनमें कि इस्त्री की या आयरन की जरूरत नहीं होती है, तो उनमें फिनिश इस प्रकार की दी जाती है वस्त्र में कि वो धोने के बाद उनमें सलवटें नहीं होती हैं और परमानेंट प्रेस फिनिशिंग के फॉर्म में ही दे दी जाती है। इसी तरह से सिकुड़न अवरोधी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, इनमें भी शिकन नहीं पड़ती है बिल्कुल और इनका रखरखाव आसान होता है। सिक्स्थ होता है वस्त्र को कड़ा करना और वजन बढ़ाना। बुनाई प्रक्रिया के बाद करघे पर से उतारे गए जो वस्त्र होते हैं वो ढीले ढाले और झिरझिरे से होते हैं। ऐसे वस्त्र किसी काम के नहीं होते, उनका आकार भी टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसलिए इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इनमें थोड़ा कड़ापन लाना आवश्यक होता है और इसके लिए वस्त्रों के अंदर स्टार्च, मांड, गोंद, अरारूट का प्रयोग किया जाता है। फिर अनुकरण बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस इमिटेशन, जैसे कि कुछ वस्त्रों के अंदर, जैसे कॉटन के साथ में जब हम कुछ सिंथेटिक फाइबर्स मिलाते हैं तो वो रेशमी वस्त्र का लुक देता है। इसके लिए मर्सराइज्ड परिसज्जा इनमें दी जाती है, जिससे कि वस्त्र होता तो वही कॉटन का है लेकिन फिनिश के कारण वह सुंदर, चमकदार और आकर्षक दिखाई देता है। कई बार घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए भी फिनिशेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वस्त्रों में इस प्रकार की परिसज्जाएं डाल दी जाती हैं, जैसे कि कई प्रकार के छापे, नमूने, डिजाइन, ड्राइंग उठाकर, रासायनिक पदार्थों से परिसज्जा देकर या गांठे बना के रूप में उनको उभार करके आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है और इसके कारण सहजता और सरलता से ये व्यक्ति का मन मोह लेता है और घटिया वस्त्र भी उचित दामों में बाजार में बिक जाते हैं। तो जब हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे तो आपको
जब भी आप मार्केट से क्लोथ्स परचेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घटिया वस्त्र को अच्छा बनाया गया है या वास्तव में एक गुड क्वालिटी के क्लॉथ के अंदर अच्छी परिसज्जा दे करके और उसको वॉश वेयर के लिए और रख रखाव के लिए अच्छा बनाया गया है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी दैनिक जीवन में उपयोगी होगा। अगली कक्षा में हम विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।